ये कारो है यहाँ पे सोसाइटी में, गाजियाबाद सोसाइटी में। तो यहाँ पे आरओ चेक करने के लिए आया था मैं। ये लेक्स प्योर का आरओ है, लेक्स प्योर का सॉरी लिव प्योर का आरओ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इनका जो ये प्योर वाटर है, ये पानी का इसमें स्मेल सी इनको लग रही थी कि टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो हमने चेक किया, तो हमने चेक करने के बाद पता चला कि इसका ये जो कार्बन फिल्टर है, ये सेडिमेंट फिल्टर और ये कार्बन फिल्टर और ये बाहर वाली कैंडल, ये बिल्कुल ही गंदी हो रखी थी और इतनी स्मेल आ रही थी कार्बन में से। मतलब ओवरऑल 1 साल से ऊपर ही हो गया था इनके आरओ की सर्विस के लिए। तो हमने इन दोनों फिल्टरों को रिप्लेस कर दिया। ये रहा कार्बन फिल्टर, ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये लिखा यहाँ पे कार्बन फिल्टर, और जस्ट इसी के नीचे ये वाला फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर। और ये जो बोतल फिल्टर देख लें, इसमें अभी एक फिल्टर लगेगा, इसमें ये वाला फिल्टर लगेगा, ये धागे वाला फिल्टर प्री कैंडल इसे बोलते हैं। तो ये चेंज होने के बाद स्मेल और क्लोरीन तो दूर हो गया है, हमने पानी का टेस्ट भी किया था, पी के भी देखा है, बट इसका हमने TDS चेक किया, TDS भी ओके आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन इसमें हम pH इसका चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल पानी बहुत ही ज़्यादा एसिड पानी बना रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, जब हमने पानी लिया कुछ, इसको हमने चेक किया, दो तीन ड्रॉप डाल दिया। अब आप ये देखो, ये बिल्कुल ही, ये देखो ये कितना एसिड वाला पानी आ रहा है, ये येलो वाटर हो गया, ये पूरा येलो दिखा रहा है। यानी कि इसका pH आपको मैं दिखा दूँ कितना pH आ गया, ये 5 pH आ रहा है, 5 pH शो कर रहा है। यानी ये बिल्कुल एसिड वाटर है, बैटरी वाला पानी बनता है, और समर इन्फेक्शन या फिर पेट में एसिडिटी उस चीज़ के लिए ख़राब करता है। तो फिर हमने सर को बोला कि आप इसके साथ एक मिनरल वाला फ़िल्टर लगाएं, क्योंकि आप आरओ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसमें एक फ़िल्टर हम ये वाला फ़िल्टर ऐड करेंगे, ये बायो प्लस का एल्कालाइन कॉपर और जिंक, जिससे इनके पानी में मिनरल्स ऐड हो जाएंगे, पानी एल्कालाइन बन जाएगा। एल्कालाइन बनने के बाद पानी का कलर जो आएगा वो ये आएगा, 8-9 pH, जो इस ड्रॉप से हम चेक करते हैं। तो वो अभी मैं इसमें लगाऊंगा, तो बाकी की वीडियो आपको बाद में दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस हारों में इस पानी का pH बहुत कम आ रहा था, तो हमने एल्कालाइन इसमें ऐड किया, ये वाला फ़िल्टर एल्कालाइन कॉपर जिंक। और ऐड करने के बाद अब इसका pH चेक करेंगे। ये हमने खाली गिलास ले लिया, इस गिलास को मैं वहाँ रखूँगा ताकि थोड़ा पाइप दूर है। ये अल्कलाइन से पानी होके आ रहा है, अब हमने ये पानी ले लिया। अब हम इसके अंदर pH चेक करेंगे, ये अल्कलाइन ड्रॉप, मात्र 2 या 4 ड्रॉप डालनी है। और 2 या 4 ड्रॉप डालने के बाद इसका pH का जो कलर है वो पर्पल आ चुका है, ठीक है ना। तो अभी पानी इनका प्रॉपर एल्कलाइन बन गया है, और इससे क्या होगा, पूरे मिनरल्स मिलेंगे, TDS भी इंक्रीज होगा। सो बस अब हम इसको ऐड कर दिया है, अब हम इसको पैक कर देते हैं और नीचे इस आरओ को इंस्टॉल कर देते हैं। इस वीडियो में थैंक यू, शुक्रिया।